स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सस्के एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम में एकदम आया हुआ है। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। बिना टाइम को बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप लोगों के स्क्रीन पे ही नजर होना चाहिए और कहीं भी रहना चाहिए, समझ में आएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बहुपद है, कौन सा बहुपद है, कह रहा है 2x² + 5x + k। एक बहुपद है जिसके शून्य क्या है, अल्फा वो बीटा है। बहुपद क्या है भाई, एफ एक्स लिखा है, डरिएगा नहीं, पी एक्स भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एफ एक्स से इन से एफ एक्स क्या आ गया, भूत आ गया कि क्या आ गया है ना, पी एक्स को ही कहते हैं ना हम लोग, तो एफ एक्स लिख दिया है, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, अल्फा और बीटा दोनों क्या है, शून्य के। क्यों दूसरे को शून्य कहा है, क्योंकि वो दो ही घात का है ना। तो अब देखिए अब क्या कह रहा है ना, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योगफल कितना है, 40 है। यानी क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है, अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर कितना दिया है, 40 दिया है ना। तब तो जाके के का मान ज्ञात करना है ना, क्या दिया है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है, 40 है। तो कह रहा है बताइए कि के का मान कितना होगा, है ना, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, कौन बताएगा, माइनस बी अपाने होता है, यानी बी का मान कितना है भाई, अगर ए बराबर कहें हम, ए बराबर 2 है, बी बराबर कितना है, 5 है, सी बराबर कितना है, के। कैसे निकला है, बहुपद को एफ स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ना कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन। अब जाने दो क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, बी कितना है, माइनस 5/2, अल्फा गुड़े बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा गुड़े बीटा, ठीक कितना है भाई, के बटे 2 हो गया ना। बस तीन देखो, ये मालूम है, ये मालूम है और ये मालूम है ना, ठीक है ना जी। अब हम लोग का एक फार्मूला ये मालूम है, कौन फार्मूला जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, सबको मालूम होगा है ना। तो अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। सब देखो इसका ये मान मालूम है, इसका ये मान मालूम है, इसका ये मान मालूम है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, भाग गया था है ना जी, अरे कहाँ कहाँ उड़ते हो जी, अरे हमको क्या लगा है, इस पे स्क्रीन पे देखना चाहिए, 40 है ना, और ये के बाई 2 ना, 2 से 2 खत्म, 5 का स्क्वायर 10, कौन 10 कह रहा है, 10 नहीं कह रहा है। अब क्या करना है, इसको उधर लाना है, उधर लाना है ना, की के मान माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। अब 4 से 16 हो जाएगा, यानी 16 मतलब 160 घटा लोगे ना, घटाने के बाद से जो आंसर आएगा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना, और कमेंट में भी लिख देना है ना। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और